हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा आरोप पत्र लेकर आएगी, जहां हेमंत सरकार के 4 साल के नाकामियों को उजागर करने का काम करेगी, जिसको लेकर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरु उराव होंगे। यानी जिस तरह से बीजेपी जो है लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर नज़र आ रही है, तो इस मुद्दे पर भी जो है प्रदेश भाजपा आरोप पत्र लाकर जो है सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करने वाली है। वहीं इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा पार्टी जो है मुद्दा विहीन पार्टी है और इस पार्टी के पास ना कोई विज़न है, ये पार्टी आरोप पत्र लाकर जो है राजनीति चमकाना चाहती है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जिस दिन से कांग्रेस और राजद के कुप्रभावों से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, उस दिन से ये राज दिशाहीनता का शिकार हो गया है और ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से अब यहाँ की जनता त्रस्त है। जिस अपेक्षा के साथ जनता ने मत देकर ये सरकार को आगे बढ़ाया था, चुना था, आज निराशा और हताशा में वही जनता है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक दायित्व का पालन करते हुए एक आरोप पत्र बना रही है कि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने अब तक क्या क्या गुल खिलाए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरे हुए हैं। इनके कई मंत्री संतरी इस सरकार की छत्र छाया में भ्रष्ट नौकरशाही भी फल फूल रही है, भ्रष्टाचार में गोता लगा रही है या कुछ संपत्ति के स्वामी बने हुए हैं नौकरशाह। कई ऐसे विषय हैं, सामान्य जन त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कई विषय बिंदु हैं, सबको लेकर एक अच्छा आरोप पत्र बनाकर जनता का जन जागरण के लिए उनकी चेतना को जगाने का प्रयास हम करेंगे। आरोप पत्र कब लेके आ रहे हैं? उसकी तैयारी चल रही है, उसकी एक समिति बनी है हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता एक्स आईपीएस डॉक्टर अरुण उराव जी की देखरेख में एक टीम उस पर काम कर रही है। बहुत जल्द आरोप पत्र तैयार होकर आपके सामने होगा। बीजेपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कब आरोप पत्र लेके आएगी? बीजेपी टेनी के खिलाफ कब आरोप पत्र लेके आएगी? बीजेपी किसानों के MSP पर क्या बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर क्या बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या बोलेगी? तमाम भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी अपने आगोश में समेटे हैं, इस पर बीजेपी कब आरोप पत्र तय करेगी? तो पहले इस पर तो कर ले, फिर सरकार के ऊपर इस राज्य में बीजेपी आरोप पत्र निकाले। और हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है तो आरोप पत्र निकाल करके वो अपना राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। जनता को कोई फर्क नहीं है, महागठबंधन की सरकार विकास कर रही है और विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि आगामी 28 दिसंबर को हेमंत सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और इस पर जो है प्रदेश भाजपा जिस तरह से आरोप पत्र लाकर जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने उसका बचाव भी किया है। रांची से दर्श न्यूज के लिए मोहन कुमार।